नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राईल, कभी तुम्हें आसमान से मशक्क़त के साथ बड़ी तेज़ी के साथ फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चार मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे फ़िल फौर बड़ी तेज़ी के साथ ज़मीन पर उतरना पड़ा है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो चार मरतबा कौन सी थीं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, एक तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक्त अर्शे इलाही के नीचे था। मुझे हुक्म हुआ कि जिब्राईल, खलील के आग में पहुंचने से पहले पहले फौरन मेरे खलील के पास पहुंचो। चुनाचा मैं बड़ी तेज़ी के साथ फौरन खलील के पास पहुंचा। दूसरी बार जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रख दी गई तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंचूं और छुरी को उल्टा दूं। चुनाचा मैं छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंच गया और छुरी को चलने ना दिया। तीसरी मर्तबा जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं की तह तक पहुंचने से पहले ज़मीन पर पहुंचने का हुक्म दिया गया और कुएं से एक पत्थर निकालकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उस पत्थर पर बा आराम बिठा दिया गया। और चौथी मर्तबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब काफ़रों ने आपके दंदान मुबारक शहीद किए तो मुझे हुक्मे इलाही हुआ कि मैं फौरन ज़मीन पर पहुंचूं और आपके दंदान मुबारक का खून ज़मीन पर ना गिरने दूं, और ज़मीन पर गिरने से पहले ही मैं वो खून अपने हाथों में ले लूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा ने मुझे फ़रमाया था, जिब्राईल, अगर मेरे महबूब का ये खून ज़मीन पर गिर गया तो क़यामत तक ज़मीन में ना कोई सब्ज़ी उगेगी और ना कोई दरख्त। चुनाचा मैं बड़ी तेज़ी के साथ ज़मीन पर पहुंचा और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को अपने हाथ पर ले लिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया।